टुडे वी डिस्कस अबाउट आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, इसको IDDB अपने बोलते हैं। आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर में क्या होता है, इसमें लैक ऑफ सफिशिएंट आयोडीन इन द डाइट कैन लीड इन एडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड एनलार्जमेंट ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। इसमें जो अपने डाइट के अंदर इनसफिशियंट अमाउंट में आयोडीन लेते, मतलब अगर सफिशियंट इनसफिशियंट अमाउंट में आयोडीन लेते हैं, जिससे प्रोडक्शन जो थायरॉयड हार्मोन होता है उसका प्रोडक्शन और सिंथेसिस नहीं हो पाता, जिससे अपने गोइटर हो जाता है, तो उसको अपन आयोडीन डेफिशेंसी डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें अपन देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे इंट्रोडक्शन में, ये एक असेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट है रिक्वायर फॉर द सिंथेसिस। ये किसके लिए सिंथेसिस रिक्वायर होता है, थायरॉयड हार्मोन जैसे T3 ट्राईआयोडोथायरोइनिन एंड T4 थायरोक्सिन, फीटल एंड नियोनेट के प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इन द ब्रेन, नियोनेट के अंदर जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है उसके लिए अपने को रिक्वायर होता है। इसमें अपने देखेंगे इन्फेंट के अंदर 50 माइक्रोग्राम, चिल्ड्रन के अंदर अपन 100 माइक्रोग्राम, एडल्ट के अंदर 150 माइक्रोग्राम और प्रेगनेंसी के अंदर 200 माइक्रोग्राम। इसके सोर्सेस क्या क्या होते हैं जिसमें अपने को आयोडीन, जैसे सी फूड हो गया, सी फूड के अंदर सी फिश होगी, सी साल्ट हो गया, सॉल्ट हो गया, कॉड लीवर ऑयल हो गया, स्मॉल अमाउंट में इन मिल्क, मीट, वेजिटेबल, सीरियल्स एक्सेट्रा हो गया, वेरिएबल इन वाटर के अंदर 1 to 50 माइक्रोग्राम पर लीटर के अंदर, आयोडीन जो कंटेंट ऑफ द वाटर है इन क्रॉप्स डिपेंड ऑन द आयोडीन कंटेंट ऑफ द सॉयल, मतलब ये सोर्स है इसके अंदर अपने को आयोडीन पाया। फिर अपने देखेंगे गोइटरजेनस में, इसमें वेजिटेबल ऑफ द ब्रिंक ग्रुप ऑफ द कैबिज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, रेडिश हो गया, एक्सेट्रा हो गया, जो कंटेन एज द ट्राईआयोडीन के अंदर साइनोग्लाइकोसाइड हो गया, मेक द आयोडीन ऑफ द फूड अनलेबल ऑफ द बॉडी, अगर बॉडी में अवेलेबल नहीं तो कैन बी इनएक्टिवेट बाय द हीटिंग। नेक्स्ट इसका अपन देखेंगे एब्जॉर्प्शन, आयोडीन का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, 30% ऑफ यूटिलाइज ऑफ थायरॉयड ग्लैंड फॉर सिंथेसिस फॉर द हार्मोन, जो 30% है जो यूटिलाइज होता है थायरॉयड ग्लैंड के द्वारा सिंथेसाइज होता है, इसमें जो रिमेनिंग एक्सक्रीट हो जाता है वो यूरिन के अंदर। इसमें अपने को टारगेट जो सेल्स होती है इसमें अपने देखते हैं जो अदर ब्रेन सेंटर है, हाइपोथैलेमस हुआ, एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड हुई, थायराइड ग्लैंड हुई, जो इसमें इन मतलब इसका जो प्रोडक्शन और सिंथेसिस है वो नहीं हो पाता, जिससे फिजिकल या मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकती है। नेक्स्ट अपने देखेंगे आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर में रेफर टू अ स्पेक्ट्रम ऑफ द हेल्थ कॉन्सिक्वेंस रिजल्टिंग फ्रॉम द इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ द आयोडीन, जो आयोडीन है वो अपने अगर डाइट के अंदर इनएडिक्वेट मिलता है तो उसे इनटेक ऑफ द इनएडिक्वेट आयोडीन, मेजर न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है ये, स्पेक्ट्रम ऑफ द डिजीज फ्रॉम इंट्रा यूट्राइन टू चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, जो ये डिजीज है वो इंट्रा यूट्राइन में भी, इंट्रा यूट्राइन लाइफ में भी पाई जाती है। पॉपुलेशन में ये बर्डन क्या है, रिटर्न 7% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन सफर फ्रॉम द आयोडीन डेफिशिएंसी, जो वर्ल्ड की 7% पॉपुलेशन है वो सफर करती है आयोडीन डेफिशिएंसी। सीरियस इसमें जो प्रॉब्लम है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज लाइक इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड एंड मेमेन। सीवियरिटी हायर इन द साउथ एरिया, साउथ ईस्ट एरिया इन द वर्ल्ड, सब हिमालय गोइटर बेल्ट द वर्ल्ड मोस्ट इंटेंस गोइटर एंडेमिक रीजन, अफेक्टेड ईयरली 120 मिलियन पीपल, सम एक्स्ट्रा हिमालय फोकाई, क्लोज ऑफ लो लाइंग हिल रीजन ऑफ द बिहार हिल एरिया ऑफ एमपी, पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, वेस्टर्न घाट एंड एक्सेट्रा। जो आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है अगर वो एडल्ट में होता है तो उसमें क्या क्या अपने को देखने को मिलेगा, जैसे पेशेंट में हाइपोथायरॉयडिज्म एंड रेज्ड हो जाएगा TSH का, हाइपरप्लेजिया हो सकता है, रिजल्टिंग लिथार्जी रहेगा पेशेंट, पुअर कोल्ड टॉलरेंस रहेगी, बैडिकार्डिया पेशेंट का मैक्सिमम रहेगा, इनफर्टिलिटी रहने, अगर फीटस और इन्फेंट में होगा तो क्रिएटिनिज्म रहेगा और पेशेंट मेंटल रिटार्डेशन रहेगा, हियरिंग डिफेक्ट रहेगी, उसकी जो हियरिंग है वो डिफेक्ट रहेगी, स्पीच जो बोलेगा तो उसमें डिफेक्ट रहेगा, स्क्विंट रहेगा, स्क्विंट मतलब बहरा बहरापन होता है, बहंगापन बोलते हैं अपने, डिसऑर्डर ऑफ गेट होगा,
ग्रोथ है उसकी रिटार्डेशन रहेगी। एट बर्थ में अगर देखें तो अपने क्या होगा, स्टिल बर्थ होगा, मतलब वो टाइम से पहले ही बर्थ हो जाएगा, उसका मिसकैरेज हो सकता है, नियोनेटल हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। स्पेक्ट्रम विद इंक्रीज सीवियरिटी देखें, अगर गोइटर है तो उसकी ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकेंड एंड ग्रेड थर्ड मल्टी नोड्यूल होंगे। जो हाइपोथायरॉयडिज्म होगा उसमें वेरीज करेगा कॉम्बिनेशन ऑफ क्लिनिकल साइन के अंदर। जो सब नॉर्मल इंटेलिजेंस होगी उसमें वेरिएबल करेगा ये सीवियरिटी के अंदर। डिले मोटर माइलस्टोन हो जाएगा, मेंटल डेफिशिएंसी हो जाएगी, हियरिंग डिफेक्ट, स्पीच, ये जो स्टब स्क्विंट होएगा, यूनिलेटरल हो सकता है। और स्पेक्ट्रम द मसल्स वीकनेस एंड लेग आर्म आर द ट्रंक, न्यूरोमस्कुलर वीकनेस आएगी। एंडेमिक क्रिएटिनिन इसमें हाइपोथायरॉइड क्रिएटिनिन और न्यूरोलॉजिकल क्रिएटिनिन, इंट्रा यूट्राइन डेथ, स्पॉन्टेनियस इसमें अबॉर्शन या मिसकैरेज होने के चांसेस है। क्लिनिकल फीचर देखेंगे इसमें, फीटल एंड नियोनेट के अंदर अबॉर्शन, स्टिल बर्थ, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी हो सकती है, जो अम्बिलिकल हर्निया है, लार्ज एंटीरियर फंटेनल है, हाई पेरीनेटल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी, लो बर्थ वेट है इसमें, जैसे नियोनेटल गोइटर है, लेथार्जी, पुअर, जो अपन ने इसमें देखा से क्लिनिक फीचर वो भी इसमें देखने में। इन्फेंट एंड अर्ली चाइल्डहुड में साइनस है, क्रिएटिनिन, मेंटल डेफिशिएंसी, स्क्विंट, शॉर्ट स्टेज, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, डीफ म्यूटिज्म ऑफ मोटर स्पेसिलिटी, स्पास्टिसिटी। चाइल्ड एंड एडोलसेंट के अंदर अपने को रिटार्डेशन ऑफ द मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट, गोइटर इसमें जो है ना, हाइपोथायरॉइडिज्म, ग्रोथ रिटार्डेशन, ये सब इसमें अपने को थिकनेस, पफिनेस, आईलैशेस, आईब्रो डिले और सेक्सुअल म्यूटेशन। एडल्ट के अंदर अपने को मेंटल एंड फिजिकल अंडर डेवलपमेंट, स्लीपी, स्लो, इम्पेयर मेंटल फंक्शन, डिसीजन मेकिंग, एनलार्जमेंट, थायरॉयड ग्लैंड, हाइपोथायरॉइडिज्म, ये सब अपने को, हॉर्सनेस, वॉइस, मीनार के, नॉट पीटिंग, एडिमा, ये सब अपने को क्लिनिकल सिम्पटम दिखेगा। एपिडेमियोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी में अपने को जो सर्विलेंस ऑफ द गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम है, जो गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम 1992 में स्टार्ट किया था गवर्नमेंट द्वारा, और 1954 में जो फूड एडल्ट्रेशन एक्ट था, इसमें कहा गया था जो अपना आयोडीन साल्ट खाएंगे और गवर्नमेंट इसके परचेज करेगी, इसको प्राइवेटाइजेशन किया गया था, जो जिसमें साल्ट की कमी है वो अपने यूज़ नहीं करेंगे, और जिसमें साल्ट है उसको अपने ज़्यादा यूज़ कर। सर्विलेंस के अंदर अपने देखा प्रीवलेंस ऑफ गोइटर, प्रीवलेंस ऑफ क्रिएटिनिन में, यूरिन आयोडीन एक्सक्रीटर, थायरॉयड फंक्शन टेस्ट, प्रीवलेंस ऑफ द नियोनेटल हाइपोथायरॉइड, आयोडीन अपने चेक कर सकते। आयोडीन कैन बी सबमिट लॉस ऑफ द साल्ट, रिकमेंडेड ऑफ द कंज्यूम ऑफ द साल्ट विद इन सिक्स मंथ ऑफ आयोडाइजेशन। रैपिड टेस्ट किट है, जो MBI किट ऑफ यूनिसेफ अवेलेबल टू द टेस्ट, वन ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन प्लेस इन द साल्ट कंटेन आयोडीन प्रोड्यूस ब्लू पर्पल कलर। अगर जो पेपर लेंगे, मतलब अपने जो किट ली है उसमें यूनिसेफ ने वन ड्रॉप ऑफ द सॉल्यूशन प्लेस करेंगे, जो साल्ट कंटेन है वो आयोडीन के, वो ब्लू कलर का अपने को पर्पल कलर इसमें दिखाई देगा। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, अंडर नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीज, इसमें प्रोग्राम ने फोर मेन कंपोनेंट है, यूज ऑफ आयोडीनाइसाइड, अपने को ज़्यादा से ज़्यादा आयोडनाइज जो साल्ट है उसका यूज़ करना है, और ऑयल का आयोडीन की मॉनिटरिंग करनी है, मेन पावर ट्रेनिंग देनी है। मेन पावर के अंदर अपने ANM, आशा, जो भी है उनका मास कम्युनिकेशन करना, मास कम्युनिकेशन मतलब न्यूज़ चैनल पे, जैसे DD नेशनल लेवल पे इसका प्रचार करना है। यूजिंग आयोडनाइज साल्ट ऑयल, मोस्ट वाइडली यूज प्रोफाइलैक्टिक मेजर, आयोडनाइज ऑफ द साल्ट विद पोटेशियम आयोडीन इन इंडिया। आयोडनाइजेशन इज द फिक्स अंडर प्रिवेंशन ऑफ द फूड एडल्ट्रेशन एंड द आयोडीन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ पॉइंट PPM ऑफ द कंज्यूमर लेवल। सिर्फ जो आयोडनाइज नमक है उसी का यूज करना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रपोज ऑफ द रिप्लेस कॉमन साल्ट विद आयोडनाइज साल्ट, यूनिवर्सल आयोडनाइजेशन, डबल फोर्टिफिकेशन ऑफ द टू ऑफ द वन साल्ट। आयोडनाइज इसके अंदर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, मोस्टली पॉपी फी सील्ड, जो डेवलप आयोनाइज ऑयल ऑफ द डोज 1 ml, प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर द 4 year, एक्सपेंसिव, रीचेज एवरी विक्टिम इज डिफिकल्ट, मतलब हर किसी पास मतलब ये नहीं पहुंच पाता, इज रिकमेंडेड ऑफ द सेवरल एंडेमिक पॉपुलेशन वीकली, इज रेस्पॉन्स इज नीडेड। आयोनाइज ऑयल टेक्निकल सिंपल ऑयल इज द सोडियम आयोडेट टेबलेट, लिमिटेड रिसर्च अवेलेबल, कोस्टलाइन देन IM ऑयल।
फिर अपने आयोडीन की मॉनिटरिंग, इसके अंदर नेटवर्क ऑफ द लेबोरेटरी के अंदर इसमें आयोडीन एक्सक्री डिटेक्शन, जो अगर आयोडीन जो एक्सक्रीशन डिटेक्शन होता है उसका पता करना, डिटेक्शन ऑफ द आयोडीन वाटर एंड सॉल्ट एंड फूड, डिटेक्शन ऑफ द आयोडीन इन द साल्ट ऑफ द क्वांटिटी कंट्रोल है उसमें पता करना, जो नियोनेट हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है, जो सेंसिटिविटी ऑफ द पॉइंटर है उसमें एनवायरमेंट जो आयोडीन की डेफिशिएंसी हो रही है उसको इंडिकेट करना, मॉनिटर जो इम्पैक्ट ऑफ द प्रोग्राम है गवर्नमेंट के द्वारा उनको करना, जैसे लैब में अपने को बताया कि आयोडीन की क्वांटिटी चेक करना, यूरिन में जो सैंपल दे रहे हैं उसमें आयोडीन की क्वांटिटी क्या है उसको चेक करना, मेन पावर जो ट्रेनिंग है उनको, मेन पावर को ट्रेनिंग करना, टू ऑल रिलेटेड टू प्रोग्राम ट्रेनिंग टू ऑल एस्पेक्ट ऑफ गोइटर कंट्रोल इंक्लूडिंग लीगल एनफोर्समेंट एंड द पब्लिक एजुकेशन को इम्प्रूव करना, जो गोइटर सर्वे है उसको इम्प्रूव करना, जो लैब टेक्निक्स है उसको बढ़ाना, मास कम्युनिकेशन से इंफॉर्मेशन एजुकेशन जो कम्युनिकेशन है उसकी एक्टिविटी को बढ़ाना, टूल ऑफ द न्यूट्रिशनल एजुकेशन जो पीपल है उसको न्यूट्रिशनल एजुकेशन के मतलब न्यूट्रिशन के बारे में बताना, क्रिएशन ऑफ द पब्लिक अवेयरनेस थ्रू द लेक्चर, मतलब जो पब्लिक को अवेयरनेस कैसे दे सकते हैं, अपने लेक्चर पे दे सकते हैं, रोड शो कर सकते हैं, ऑडियो विजुअल एड कर सकते हैं, स्कूल एंड जो वुमेन ग्रुप है उनको अपने साथ में लेके और अच्छा पोस्टर हो गया स्लोगन हो गया वो अवेयरनेस कर सकते हैं, जो इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन कैंपेन है उनके इंक्रीज अवेयरनेस को कंजप्शन ऑफ आयोडाइज साल्ट के बारे में, जो ग्लोबल आयोडीन डेफिशिएंसी है वो 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। जैसे अपन ने आज डिस्कस किया कि आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर क्या है, इसमें अपन ने देखा कि जो अगर आयोडीन अगर अपने को सफिशियंट अमाउंट में नहीं मिल रहा बॉडी के अंदर तो अपने जो थायराइड ग्लैंड है उसमें जो सिंथेसिस है उसका जो प्रोडक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो जिससे मेंटल रिटार्डेशन फिजिकल ये अपने को डेवलप कंडीशन होने लग जाती है बॉडी में, इसका प्रॉपर सिंथेसिस नहीं हो पाता। थैंक यू स्टूडेंट।